हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? गाइस आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सर बढ़िया नहीं तो इस वीडियो को देख के बढ़िया होने वाले हो जी। गाइस यहाँ पर कि आपके पास पोको M3 मोबाइल है जी। गाइस अगर आपके पास पोको M3 मोबाइल है तो आप सभी लोगों मुझसे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि भाई पोको M3 में कैमरा सेटिंग बताओ जो कि बेस्ट कैमरा सेटिंग हो और हम भी कैमरा सेटिंग कर पाएँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे गाइस आपका यहाँ पर कैमरा सेटिंग बहुत ही बेटर होने वाला। तो उससे पहले गाइस एक ही बात कहूँगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। एंड गाइस अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम आपके मोबाइल में वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ एंड हर बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अगर आपके पास पोको M3 मोबाइल है तो सभी लोगों का प्रॉब्लम था कि भाई फोटो हमारा फटता है और कैमरा सेटिंग ऐसी बताओ जो बेस्ट फोटो क्लिक कर पाएँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि प्रो मोड यहाँ पर सेटिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रो सेटिंग बताने वाला हूँ, प्रो मोड में सबसे ज़्यादा सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपका कैमरा इंप्रूवमेंट बहुत ही बेटर होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप बेस्ट फोटो क्लिक कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका कैमरा बहुत ही बेटर फोटो निकाल के देगा। और गाइस आपको क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप मुझसे बाद में कमेंट करोगे भाई मेरा प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, अभी भी कैमरा प्रॉब्लम हो रहा है, बेस्ट फोटो नहीं निकल रहे हैं या फोटो फट रहा है। अगर आप गाइस वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपका ना ही फोटो फटेगा जो मैं सेटिंग बताऊंगा वो, तो गाइस आपका ना ही फोटो फटेगा और बेस्ट फोटो आप क्लिक कर पाओगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो मैं टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में कर लेनी है जिससे आपका कैमरा इंप्रूवमेंट चेंज हो जाए और आप बेस्ट फोटो क्लिक कर पाओ, आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाए ना। तो गाइस आपको जाना सिंपल सा कैमरा में, देख सकते हो जैसे गाइस यहाँ पर हम कैमरे में आएंगे, कैमरे में आने के बाद गाइस देख सकते हो आपको यहाँ पर जाना थ्री डॉट में। जैसे थ्री डॉट पर जाओगे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, सबसे पहले तो आपको सेटिंग को डिफॉल्ट सेटिंग कर देना, यानी कि आपका कैमरा एक तरह से आपने न्यू मोबाइल लिया था वैसे ही खुलेगा, दोबारा से ओपन करना है। तो देख सकते हो गाइस आपकी जो परमिशन वगैरह लेगा, आपको परमिशन वगैरह अलाउ कर देना है। करने के बाद गाइस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा तो गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना और सेटिंग में जाना है। तो गाइस सेटिंग में यहाँ पर कुछ टिप्स शेयर करूंगा, उसके बाद एक से कभी सेटिंग बताऊंगा। तो आपका पिक्चर क्वालिटी अगर आपका स्टैंडर्ड या लो है तो आपको हाई रखना है, ठीक है। हाई रखने के बाद अब यहाँ पर नीचे आता है एक फोकस एंड शूट का ऑप्शन, इसे आपको हर टाइम इनेबल कर देना है, वैसे आपका ऑफ होगा तो इसे इनेबल कर देना है। जब भी आप वहाँ पर किसी का फोटो वगैरह शूट करोगे तो आपका जो फोकस एंड शूट वाला ऑप्शन है यानी आपका मोबाइल फोकस करने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एंटी बेंडिंग 50 हर्ट्ज़, आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ कर देना है, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर हैवी करने के लिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, एंड गाइस यहाँ पर मैं बाहर जाकर भी दिखाऊंगा जो ग्रीन स्क्रीन दिखाऊंगा और यहाँ ग्रीन पार्किंग वगैरह दिखाऊंगा एंड यहाँ पर आपको स्काई वगैरह सब चीज़ पिक्चर दिखाऊंगा और नाइट मोड के कुछ फोटो सैंपल दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहना। तो गाइस यहाँ पर आप सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर कहीं किसी का फोटो वगैरह, तो गाइस जब भी आप यहाँ पर किसी का फोटो वगैरह शूट करते हो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो HDR प्रो का यूज़ करने का है। देख सकते हो गाइस HDR प्रो एक तरह से HDR यानी कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूवमेंट करोगे, जब आपका फेस होगा सामने तो यहाँ पर आपकी फेस क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और पिक्चर आपकी फटेगी नहीं। गाइस HDR का हमेशा यूज़ करके देखो, आपकी जो पिक्चर फटती है वो बिल्कुल नहीं फटेगी, ठीक है। ऑल कैमरा पर जाना है और ऑल कैमरा यूज़ कर लेना है और यहाँ पर बेटर पिक्चर निकालने के लिए यहाँ पर आपको पिक्चर क्लिक कर देना है। एंड गाइस अब बात आती है यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है मोर वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप कोशिश करें मोर वाले ऑप्शन में। जब भी आप यहाँ पर कोई बेटर पिक्चर लेना चाहते हो या आपको लगता है फटे नहीं पिक्चर, तो आप 48 मेगापिक्सल का डायरेक्टली कैमरा यूज कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसमें, आप यहाँ पर जूम नहीं कर पाओगे डायरेक्ट 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करोगे तो। बट यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है आपको पास से जाकर लेनी होगी या गाइस पीछे जाकर, मतलब आप यहाँ पर जूम इन आउट नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पर पिक्चर बहुत ही बेटर क्वालिटी की निकल के आती है, इस चीज़ का भी आप नोटिस करके देखना। एंड गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बाहर लेके चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कुछ सेटिंग जो कि प्रो मोड में सेटिंग बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हो आप यहाँ पर जो आपका स्काई है गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इंप्रूवमेंट हो गया। एंड अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको प्रो मोड में जाना है। जैसे आप प्रो मोड में जाओगे कभी भी गाइस यहाँ पर अगर आपको DSLR जैसी पिक्चर शूट करनी है तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रो मोड में जाना है। और प्रो मोड में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट बैलेंस सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है व्हाइट बैलेंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से टोन्स चेंज कर सकते हो, जो सी आपको टोन्स में यहाँ पर फोटो वगैरह चाहिए वो आप यहाँ पर आप कर पाओगे और यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर पाओगे। देख सकते हो गाइस यहाँ पर जैसे आप पिक्चर लेना चाहें वैसा पिक्चर यहाँ पर शूट कर पाओगे, जैसे यहाँ पर स्क्रीन आपको चाहिए वैसे शूट कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट बैलेंस है, यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे बिल्कुल भी,
एंड आपको ऑटो पर रखना है तो ऑटो कर सकते हो, जो कि आपका देख सकते हो नॉर्मल पिक्चर है। एंड गाइस यहाँ पर आप एक सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है फोकस एंड शूट का, तो गाइस देख सकते हो सेकंड एंड नंबर पे यहाँ पर फोकस एंड शूट है, इसे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको लगता है आपकी पिक्चर यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रही है कोई पतला धागा, तो गाइस इसे आपको ऊपर करते जाना, बिल्कुल ऊपर कर देना, आपकी कोई भी चीज़ होगी तो बिल्कुल फोकस कर देगी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा खेत है एंड आप देख सकते हो बिल्कुल इंप्रूवमेंट यहाँ पर क्वालिटी में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसे ब्लर करना है, फोकस पर आपको जाना और यहाँ पर इसे डाउन करते जाना है, अब आपकी ऑटोमेटिक पिक्चर है यहाँ पर बैकग्राउंड देख सकते हो ब्लर हो चुका है एंड ब्लर होता जा रहा है, बिल्कुल पिक्चर ब्लर करनी है तो यहाँ पर आपको डाउन कर देना है। अब आप देख सकते हो कितना भी फोकस करोगे बट आपकी पिक्चर ब्लर हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आप इसे इनेबल करते जाओगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे जितना आपको ब्लर रखना है एंड जितना यहाँ पर आपको क्लीन रखना है, कोई भी धागा तक होगा वो भी फोकस कर देगा। तो यहाँ पर ये फोकस मोड है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि फोकस मोड का कैसे यूज करना है अच्छे से, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी टोन्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो बेटर पिक्चर निकल के आ जाती है, जो कि आपका 48 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही बेटर पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे देता है। एंड गाइस अब सभी लोगों का यहाँ पर सवाल होता है कि और ये गाइस देख सकते हो यहाँ पर शटर मोड का यूज, गाइस शटर मोड का अगर आप यूज करना सीख जाओगे ना तो बहुत ही बेटर पिक्चर निकाल पाओगे यहाँ पर DSLR कैमरा है जैसी। शटर मोड क्या होता है गाइस, यहाँ पर जब भी आप कोई पिक्चर वगैरह शूट करते हो तो शटर मोड यहाँ पर क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पर कहीं अंधेरे में हो या आप यहाँ पर कहीं फोटो वगैरह ले रहे हो और वहाँ पर अंधेरा है, तो यहाँ पर आप फोकस भी कर पाओगे शटर मोड से, और मतलब वहाँ पर जो अंधेरापन है वो भी यहाँ पर दूर कर पाओगे, और जहाँ पर उजाला ज़्यादा है वहाँ पर अंधेरापन भी कर पाओगे, जैसा आप कंडीशन चाहते हो यहाँ पर आप शटर से कर सकते हो। जैसे गाइस देख सकते हो शटर का यूज़ करना है आपको, देख सकते हो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो गया एंड शटर को आपने ऊपर कर दिया, तो और डाउन करते जाना आपको शटर को, और आपकी जो फोटो देख सकते हो कैसे यहाँ पर आपको डाउन करते जाओगे बेटर फोटो निकल के आ जाएगी। अब आपको बता दूँ शटर का यूज़ करते कैसे हैं, यहाँ पर मैं देख सकते हो यहाँ पर तीन फोटो लगा रहा हूँ और यहाँ पर तीन पिक्चर देख सकते हो, जो कि मैंने शटर को बिल्कुल ऊपर करके दिया है, जो कि नाइट में, ऐसे आप कहीं पर भी कोई अच्छी सीनरी है और वहाँ पर लाइटिंग वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ पर शटर का मोड यूज करके बिल्कुल शटर का मोड यूज कर देना, और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में वो लाइटिंग कंडीशन को ऐसे कैप्चर करेगा आपका मोबाइल बहुत ही बेटर तरीके से। गाइस यहाँ पर मैं देख सकते हो आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पर शटर मोड को आप यूज करते जाओगे ऊपर करते जाओगे बहुत ही बेटर यहाँ पर लाइटिंग की सीनरी देता है, और यहाँ पर आपको लगता है कहीं अंधेरापन है जब आप फोटो वगैरह ले रहे हो, कहीं पर छाएं वगैरह ज़्यादा है, अंधेरापन आ रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा शटर ऊंचा करके बेस्ट फोटो क्लिक कर पाओगे, तो यहाँ पर आप शटर का यूज़ करके कम ज़्यादा करके यहाँ पर बेस्ट फोटो क्लिक कर पाओगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आप चाहते हैं कि बेस्ट स्काई फोटो कैसे लें, देख सकते हो गाइस यहाँ पर बेस्ट स्काई फोटो कैसे लें, तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो ISO यहाँ पर ऑटो आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और अपने हिसाब से देख सकते हो गाइस यहाँ पर व्हाइट व्हाइट हो गया एंड अपने हिसाब से यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपका स्काई देख सकते हो गाइस कितनी बेटर तरीके से पिक्चर, जो कि DSLR कैमरा होता है वैसे यहाँ पर पिक्चर निकाल के देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ISO होता है ये बिल्कुल डाउन कर देना है, और यहाँ पर आपका अगर थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो व्हाइट व्हाइट दिखा रहा होगा ऐसे करके, बट यहाँ पर आपको क्या करना है कहीं पर लगता है आपको स्काई यहाँ पर आ रहा है तो आपको बिल्कुल ही डाउन कर देना है। ठीक है गाइस, शटर पिक्चर निकाल पाओगे बिल्कुल इजीली तरीके से, आपको ISO पे जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल डाउन कर देना, और देख सकते हो आपकी जो लाइटिंग कंडीशन है एंड स्काई वगैरह देख सकते हो जो बिल्कुल क्वालिटी कितनी कैप्चर, एंड आप जूम भी कर पाओगे और बहुत ही बेटर पिक्चर निकल के आ जाती है, एंड आप अपने हिसाब से कैसे कर पाओगे जो भी आपको पिक्चर निकालनी है ISO का यूज करके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है ISO वगैरह जो प्रो मोड में ये सारे फीचर हैं आपको यूज़ करके देखना है कब कौन सा फीचर किस काम में आता है, मैंने आपको बता दिया है। जब भी कहीं अंधेरापन है तो आप शटर मोड का यूज़ कर सकते हो, जब भी यहाँ पर कहीं ज़्यादा लाइटिंग है तब भी आप शटर मोड से लाइटिंग कम कर सकते हो, तो आपको शटर मोड का यूज़ करना है। एंड फोकस एंड शूट का अगर आपको लगता है यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर करना है, पिक्चर किसी की ब्लर से लेनी है, तो आप यहाँ पर फोकस का यूज़ कर पाओगे और पिक्चर को ब्लर कर सकते हो, और व्हाइट बैलेंस का यूज़ करके गाइस यहाँ पर आप अपने यहाँ पर कलर टोन्स चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर टोन्स में यहाँ पर फोटो वगैरह पिक्चर लेनी है तो आप कर पाओगे। अब गाइस यहाँ पर बात आती है लेंस की, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपके जो लेंस हैं वो लेंस आ जाते हैं वाइड लेंस, अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पर जो भी लेंस हैं आपके लेंस यूज कर पाओगे। एंड गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर माइक्रो लेंस यहाँ पर यूज कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड लेंस है देख सकते हो गाइस यहाँ पर बेटर पिक्चर निकाल पाओगे आप। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपके जो भी फीचर हैं वो यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। ठीक है, इसका यूज़ करने से आपकी बेटर पिक्चर क्वालिटी निकाल पाओगे। सेटिंग बता दी जो कि यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो मैंने सेटिंग बताई है ज़्यादातर आपको प्रो मोड का यूज़ करना है, जो कि आप यहाँ पर DSLR कैमरा की तरह पिक्चर निकाल पाओगे, स्काई वगैरह की आप पिक्चर शूट कर रहे हो वो भी यहाँ पर DSLR में करें और कहीं पर स्क्रीन वगैरह वो भी यहाँ पर करें। अब यहाँ पर आती है पोर्ट्रेट मोड की, तो गाइस पोर्ट्रेट मोड का यहाँ पर आप यूज़ करते हो, यहाँ पर अगर आपको लगता है
बेटर पिक्चर नहीं आ रही है, तो देख सकते हो यहाँ पर एक, यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ब्यूटी वाला ऑप्शन है, इसे आपको ऊपर करते जाना है और यहाँ पर आपको स्किन टोन से वो ब्यूटी हो जाएगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, फिल्टर आ रहे हैं, फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका फिल्टर चाहिए वो यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो आप इजीली तरीके से कर पाओगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। ऐसे करके पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर ऑल पे जाना है, ऑल भी ऑल कैमरा यूज़ करना है, इससे क्या होता है आपका जो फोटो है बैलेंस आप देता है और यहाँ पर आपको ऑल कैमरा यूज़ करके बेटर पिक्चर निकाल पाते हो। तो आपको सिंपल सा मैंने यहाँ पर बता दिया फोटो में जाना, तो फोटो में आपको मैंने जो सेटिंग बताई है कुछ सेटिंग बताई है, तो आपको थ्री डॉट पर जाकर सेटिंग भी कर लेनी है और यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन में जाकर 48 मेगापिक्सल का डायरेक्ट ही कैमरा यूज़ कर लेना है। और यहाँ पर स्लो मोशन वगैरह आप तो ये जानते ही होंगे, नाइट मोड का यहाँ पर यूज़ जानते ही होंगे, जो कि नाइट मोड का भी यूज़ कर सकते हो आप बिल्कुल ईजिली तरीके। तो गाइस यहाँ पर आपको सेम सेटिंग कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बैक आता हूँ एंड गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेटिंग कुछ इतनी थी। गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो में, बस इतना ही।